ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈਲੋ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ
ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਥੱਲੇ ਉੱਥੇ ਰਿਮੋਟ ਤੋਂ ਹਾਂ ਅੰਮੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਇਹਾਂ ਕਰ ਲਓ ਰਿਮੋਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਈ ਡੀ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਕੋਰ ਹੈ 1 ਓਵਰ 20 ਰਨਸ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ और ये
Thank you.
ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਹਾਂ ਐ ਦੇਖੀ ਬਾਤ ਕਰਮ ਹੋ ਗਈ ਜਾਸੀ ਪਤਾ ਆਇਆ।
5 ओवर 61 वन लॉस। Thank you.
Thank you.
Thank you.
मैंने क्या बॉल कराई थी। बॉल कहाँ मार गया? बकरी इधर आ जाओ। Thank you.
कैच। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, लगेगी बहुत। Easy, easy, easy.
पहले जो हमने ना पहले ओवर 184 और 1 विकेट का नुकसान। अली रशीद बट 79 46 बॉल्स 79 अली चाचू भाई ये कहां से है मोहम्मद शकील 40 बॉल 66 अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप आज 14 अगस्त खूब धूमधाम से मना रहे होंगे। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। हम आज क्रिकेट मैच खेल रहे हैं ब्लैक मारहोर और दूसरा मैच चल रहा है साथ हमारे रेड का, तो आप इंजॉय कर रहे होंगे। अभी अली रशीद बट जो है वो बैटिंग पे है और सलमान साहब बॉलिंग कर रहे हैं और ये वाइड बॉल कर दिया उन्होंने बहुत तेज़ी के साथ बॉल की थी लेग स्टंप पे। तो कैसा लग रहा है आपको, आप मैच देखें एंजॉय करें साथ में हमारी तरफ से पूरे क्रिकेट कतालूनिया की तरफ से आपको हम 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारक देते हैं। एक दफ़ा फिर अली रशीद भट्ट ने शॉट खेलने की कोशिश की है लेकिन वो मेरे ख्याल में सिंगल होगी और फील्ड हो गई। जाहिर साहब जहीर खान ने फील्ड की है तो एक अच्छा ओवर चल रहा है। अली रशीद भट 80 के करीब खेल रहे हैं और सामने शकील साहब अभी बैटिंग पे है। शकील साहब ने एक ऊंची शॉट खेली है और जा रही है नहीं, कलवंत सिंह ने एक अच्छी फील्डिंग की है और एक स्कोर हुआ है। तो ये आप सुन रहे हैं कि 14 अगस्त की वजह से लोग बाजे बजा रहे हैं, बच्चे बाजे बजा रहे हैं और इमरान संदल साहब ये वो सब खेल रहे हैं। तो अभी बैट्समैन की तरफ से कोई चीज़ की मांग आई है, मेरे ख्याल में ग्लव्स उन्होंने मांगे हैं। तो अभी बिलू वाले भी आ चुके हैं, अदील शफकत वगैरह सब आ चुके हैं ग्राउंड में। तो मज़ा आ रहा है आज हमें, तो बहुत प्यारा मौसम है, हवा बहुत खूबसूरत चल रही है। अली रशीद ने ऊंची शॉट खेल दिया, कैच का डर है और एक आसान सा कैच उन्होंने छोड़ दिया फील्डर ने। एक्चुअली ये 40 प्लस क्रिकेट हो रही है, 40 प्लस में फिटनेस के बहुत मसाइल होता है। वो क्या होता है कि साल बाद इन लोगों ने आना होता है ग्राउंड में खेलने। ये हम कतलूनिया क्रिकेट का भी शुक्र अदा करते हैं कि जितने भी रिटायर्ड प्लेयर हो चुके थे, छोड़ चुके थे, वो दोबारा ग्राउंडों में आके आबाद हो गए हैं, ग्राउंड में खेलना शुरू हो गए हैं। एक अच्छी उनको एफर्ट मिली है और शकील साहब ने एक खूबसूरत ड्राइव खेली और 4 रन हासिल किया अपनी टीम के लिए, एक अच्छी कोशिश थी। तो इमरान संदल जो कैप्टन है रेड कतलूनिया के, वो हमारे पास खड़े हैं, उनकी तरफ से बहुत बहुत 14 अगस्त की मुबारक। तो मैच चल रहा है अभी, स्कोर का पता कोई स्कोर एक मिनट चेक करना अजमल भाई, स्कोर बताना
और शकील साहब ने एक अच्छी शॉट खेली लेग साइड की तरफ और उम्मीद है कि ये फोर रन होगा जितनी तेज शॉट थी। बहुत खूब वो फील्डर से चीरती हुई गई और ये फोर रन हासिल किया शकील भाई ने। 106 स्कोर जो है मेरे ख्याल में तो वो 200 के नज़दीक पहुंचा हुआ है। 196 स्कोर है। और ये हमारे साथ उमर आए हैं, इमरान संदल साहब के बेटे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन भी हैं और आप आउट ऑफ फील्ड जो है गेंद पकड़ाते भी हैं अपने प्लेयरों को, एक अच्छी चीज़ थी। तो ओवर हो गया, ओवर अपनी समाप्त पे हो गया, तो जा रहे हैं भाग दौड़ के बैट चेंज करने, पानी लेके, क्योंकि थोड़ा सा गर्मी का एहसास है। लेकिन आज जो हवा चल रही है ना, यहाँ का मौसम बहुत प्यारा है, इसलिए कि वो धूप का भी इतना नहीं पता चल रहा। हमसे पहले एक मैच हुआ था गोल्डन का और ग्रीन का, तो काफ़ी बड़ा मैच था वो। गोल्डन वालों ने बहुत बड़ा स्कोर दिया था, 227 का उन्होंने मेरे ख्याल में टारगेट दिया था, और ग्रीन थोड़ा सा जल्दी और जल्दबाजी में आउट हो गई और वो पड़े हुए थे। हालांकि उनका कैप्टन अमानत महर ने एक ज़िम्मेदाराना बैटिंग की, अच्छा टारगेट को चेयर करने में मदद भी दी, लेकिन उनको प्रॉब्लम यह है कि उनका एक मेन बैट्समैन कैसर मलक वो जख्मी हो गया, उसको हैमस्ट्रिंग इंजरी हो चुकी है, तो इस वजह से वो बेचारे का चलना फिरना भी थोड़ा सा मुहाल। तो बाकी बैड लक, वो जल्दबाजी में आउट होते गए। तो मैच चल रहा है अभी, 17 ओवर हो चुके हैं मेरे ख्याल में, कितने ओवर हुए बच्चे, 17 ओवर हो चुके हैं, 3 ओवर का अभी मैच बाकी है। ये अली रशीद बट 81 पे खेल रहे हैं, आई थिंक 100 पे जाएंगे, और शकील साहब जो उनका साथ दे रहे हैं वो 75 पे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इन दोनों में 100 एक करना चाहिए आज, क्योंकि इन दोनों की आई सेट हो चुकी है, काफ़ी पुराना खेल रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि 100 हो, इतने प्यारे खेल रहे हैं। तो ये आपको 14 अगस्त का पता चल रहा होगा कि आज छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं खेलने, इंजॉय करने, बाजे बजा रहे हैं। आबा साहब ने जाते ही पहली बॉल पे काफ़ी लंबा लेग साइड पे वाइड किया और एक स्कोर दे दिया उन्होंने वाइड के साथ एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा पे ध्यान देना चाहिए, और को तो इतनी हासिल बाउंड्री तो लगती हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा होता है ना उसमें बॉलर जो है ना उसको डबल गेंद भी करनी पड़ती है और थकावट भी हो जाती है। अभी ऊंची शॉट खेली आप सब, लगता है खुद ही कैच पकड़ेंगे, और शकील साहब आउट हो चुके हैं 77 करके। तो ब्लैक टीम को अभी दूसरा नुकसान उठाना पड़ा है, तो 78 पे शकील साहब आउट हो गए। चलो बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है, उम्मीद करते हैं कि रशीद भट्ट साहब जो है वो 100 पे खेलें। और अभी ब्लैक मारहोर की तरफ से कतलूनिया के स्पेन के सीनियर तरीन बैट्समैन आ रहे हैं ग्राउंड में, निसार भाई, राजा निसार, वो आएंगे और अपने जारहाना बैटिंग की वजह से भी बहुत जाने जाते हैं। तो देखो क्या बनता है, क्या इंशाल्लाह जो भी होगा अच्छा होगा। अभी 16-17 बॉल बाकी है मैच के, तो अचानक थोड़ी देर बाद मुलाकात करते हैं। ओके हाफिज।
कैप पड़ी होगी। जी 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 मूसा चला गया जी, आ गया आ गया।
अच्छा गेंद देख बार माशाल्लाह खूबसूरत खूबसूरत इनिंग 100 रन्स अली भट्ट 55 बॉल्स 101 तमाम दोस्तों को खुदा का मुबारक।